योजना के प्रचार प्रसार के चलते अब धीरे धीरे समाज में जागृति बढ़ रही है। पुरुष प्रधान समाज में अब महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिलने लगा है। शिक्षा के प्रभाव तथा महिलाओं को मिलने वाले समानता के दर्जे के चलते अब महिलाएं भी समाज के कई ऐसे रिवाज तथा रस्मों का निर्वहन कर रही है जिन पर अब तक केवल पुरुष का ही हक माना जाता रहा है। महिलाएं अब मृतक की अर्थी को कंधा देने से लेकर शमशान घाट तक जाकर मुखाग्नि तक देख रही है। शुक्रवार को ब्यावर शहर में भी ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया जिसमें बेटी ने अपने पिता की अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि मुक्ति धाम पहुंचकर उसे मुखाग्नि भी दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर के दिलवाड़ा रोड यादव भवन के पास कांता कुंज निवासी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय हुक्मी चंद मित्तल की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय मित्तल के केवल एक बेटी है। बेटी उर्वशी मित्तल ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर विजयनगर रोड स्थित हिंदू सेवा मंडल के मुक्ति धाम पहुंचाया तथा वहां पर बेटे का फर्ज अदा करते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि भी दी। बेटी के इस जज्बे का मुक्ति धाम पर उपस्थित समाज के लोगों तथा शहर वासियों ने सलाम किया। स्वर्गीय मित्तल की अंतिम यात्रा में शंकर लाल, विष्णु प्रकाश, कैलाश, कल किशोर, राकेश, भगवान दास, मुकेश, दिनेश, नरेंद्र, लोकेश, आशीष तथा हितेश मित्तल सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी शिरकत की।